हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और ट्रिक सिखाऊंगा कि हम दो डिजिट नंबर्स को आपस में किस तरीके से फास्ट वे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको एक ट्रिक सिखाई थी, बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो हमारे पहले दो नंबर होने चाहिए उनका एडिशन नंबर 10 होना चाहिए, और जो उसी डिजिट्स के मतलब उसी नंबर के दूसरे डिजिट जो होने चाहिए वो आपस में सेम होने चाहिए। बट इस ट्रिक के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कोई भी दो डिजिट नंबर्स को अप टू 100 डिजिट नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा सबसे पहले मैं दो डिजिट नंबर ले लेता हूँ। एक सपोज़ मैं लेता हूँ 62 मल्टीप्लाइड बाई 51। ठीक है, अब ये दोनों मेरे को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए इसका। अभी मैंने किस तरीके से फटाफट निकाल दिया, मैं उसका आपको ट्रिक बता देता हूँ। मतलब इसमें क्या मतलब तरीके क्या मैंने लॉजिक लगाया इसके पीछे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इन दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरीके से जब ये दोनों निकल जाएंगे फिर मेरे को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 62 मल्टीप्लाइड बाई 51 इज इक्वल्स टू, जब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। ठीक है, फिर इस ये जो तरीका है इसमें हमें एक स्टेप ये ट्रिकी है कि एक स्टेप हमें छोड़ना है, यानी कि एक स्पेस छोड़ देना है, उसके बाद हमें ये दो नंबर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेंशन करने, यानी कि 2 अंजा। अभी जो हमने खाली स्पेस छोड़ा है वो अब हम फिल करेंगे, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबरों को और इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आएगा उसको आपस में हमने ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आंसर आया, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने से हमारा 6 आया, प्लस अब हमारा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि 10, तो इसका क्या रिजल्ट आया, 16। अब हमें ये जो 16 आया है हमारा वो हमने यहाँ पे लिखना है, यानी कि यहाँ पे डालना है। बट हमने करना क्या है, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और जो 1 है वो हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और इसका आंसर क्या आएगा, 3162, यानी कि ये वाला। देखा आपने किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, मैं आपको और थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। फोर्टी वन मल्टीप्लाइड बाई 52। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20, और इसको आपस में करना है, बट एक स्पेस छोड़ गया हमने इसको, 2। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 4 2 8 और 5 1 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 13। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, और इसका आंसर आया 2 1 3 2। क्लियर, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने ये ट्रिक किस तरीके से करी है। ये देखिए, 8 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1। अब जो मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी कि ये दोनों ऐड करके 10 होने चाहिए और ये वाले दोनों सेम होने चाहिए, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को, यानी 16, और इसको करेंगे एक स्पेस छोड़ के, यानी 1। अब हमें 8 और 1 को मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, यानी 8 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और जब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा, यानी 8 + 2 इज़ इक्वल्स टू 10। तो हमने यहाँ पे 0 लगाना है और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि 1701।
ठीक है, एक और एग्जांपल, 62 मल्टीप्लाइड बाय 91। ये देखिए दोनों नंबर बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 69 जा 54, एक स्पेस छोड़ेंगे, 2 1 जा 2। अब 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 और 9 और 2 को 18, यानी कि 18 प्लस 6 इक्वल्स टू 24, कैरी 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 56 4 2। देखा आपने किस तरीके, एक सिंपल तरीके से हम दो डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगली बार हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, और एक नया ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम और भी नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, और सिंपल वे में दो नंबरों के गेम में हम आपस में आंसर निकाल सकते हैं। तो अगली बार मिलते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।